नमस्कार दोस्तों, वैसे तो मार्केट में कई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च हो चुकी है, पर खरीदने से पहले हम उस कार के रेंज, प्राइस, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर ध्यान देते हैं, ताकि उस कार को खरीदने पर हमें पछतावा न हो। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार के बारे में डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक कार्स की सेलिंग के लिए इंडियन मार्केट में नंबर 2 पर है। इस कार का नाम है MG ZS EV। और दोस्तों, हम आज इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस की। तो इस कार में आपको 50.3 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी और इस कार के फुल चार्जिंग में 461 किलोमीटर तक की रेंज कंपनी क्लेम करती है, पर इस कार की रियल वर्ल्ड रेंज 350 किलोमीटर से लेकर 360 किलोमीटर तक की है। इस कार में आपको पावर विंडोज फ्रंट और रियर दोनों साइड में देखने को मिलेंगे और आपको AC में रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस कार में आपको इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल ऐसे 3 ड्राइव मोड्स देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आप अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर पाएंगे। आपको इस कार में केबिन स्पेस काफ़ी हद तक अच्छा मिल जाता है और आपको 445 लीटर्स का बूट स्पेस भी मिल जाता है। MG कंपनी की तरफ से आपको इस कार में 5 साल तक की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है और इसके बैटरी पैक में आपको 8 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी भी मिल जाती है। इस कार के इंटीरियर में आपको 6 एयरबैग्स, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 व्यू कैमरा जैसे कई और फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और बाकी कई और फीचर्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस कार में आपको 3 चार्जिंग ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है पोर्टेबल चार्जिंग, जिससे 0 to 100% चार्ज करने में 19 घंटे लग सकते हैं। दूसरा है AC फास्ट चार्जिंग, जिससे 0 to 100% चार्ज होने में 6 से 8 घंटे लगेंगे। और तीसरा है DC फास्ट चार्जिंग, जिससे 0 to 80% चार्ज होने में सिर्फ 50 मिनट्स लगेंगे। तो दोस्तों, ये हुए ZS EV के कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो आपको इस कार में काफ़ी फीचर्स मिसिंग नज़र आएंगे, जैसे कि आपको इस कार में AC तो मिल जाते हैं, पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन और रियर AC वेंट्स नहीं मिलेंगे। आपको स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल तो मिलेगा, लेकिन रीच एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। और तो और, आपको इस कार में हीटेड या फिर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी नहीं मिलेंगे। आपको मोबाइल चार्जिंग करने के लिए फ्रंट की ओर 12 वोल्ट का सॉकेट तो मिलता है, पर आपको रियर साइड में चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है। रियर साइड में आपको रीडिंग लैंप भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको रात के समय रियर साइड में कुछ देखना या फिर ढूंढना हो, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है। पर बाकी ओवरऑल कार काफ़ी अच्छी है। और अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए, तो यह कार SUV सेगमेंट में तो आती है, जो इस कार को काफ़ी अच्छा बनाती है। भले ही यह कार नंबर 2 पर आती हो, पर इसका परफॉर्मेंस बाकी इलेक्ट्रिक कार से भी अच्छा है। तो अगर आपको बेस्ट फीचर्स वाली एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार लेनी हो, तो MG ZS EV भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कार कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।